IPS के प्रोजेक्टर लग रहे हैं अपने, बिल्कुल ओरिजिनल वाले रहने वाले हैं। सो भाई ऐसा मार्केट में काफी डुप्लीकेट मिल रहा है भाई, उससे अवेयर रहे। Hey guys, welcome back to my channel, welcome back to one another fresh vlog। तो भाई आज की जो वीडियो रहने वाली बलिनो के ऊपर रहने वाली है। आज हम बलिनो में HID अपग्रेड कर रहे हैं, साथ साथ भाई IPS अपग्रेड कर रहे हैं। आज आपका भाई बताने वाला ओरिजिनल वर्सेस फेक, भाई ये वीडियो जरूर देखना एंड तक। थोड़ी सी भी HID को लेके भाई कंफ्यूजन है, IPS को लेके, तो भाई आप लोगों के लिए ये वीडियो आज रहने वाली है। तो मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट तक देखने, बाकी भाई सब कुछ आपके भाई ने वीडियो में डिटेल में बता रखा है भाई क्या क्या है उसके अंदर A to Z धीरे धीरे सारे प्रोसेस को। तो मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट तक देखने, तो लेट्स गो। तो आज अपने पास दी ऑल न्यू बलिनो आई है, 2017 मॉडल चुका, जो फेसलिफ्ट था अपना वो वाली बलिनो है ये। और इसमें भाई बड़ा बेसिक सा अपग्रेड हो रहा है, यानी कि HID लग रहा है हेडलाइट में, और नीचे की साइड करें तो नीचे IPS के प्रोजेक्टर लग रहे हैं अपने, बिल्कुल ओरिजिनल वाले रहने वाले हैं। सो भाई ऐसा मार्केट में काफ़ी डुप्लीकेट मिल रहा है भाई, उससे अवेयर रहे बिल्कुल। और ये बिल्कुल ओरिजिनल वाला लगने वाला है, नीचे की साइड लगेगा, और इसमें HID लग रहा है। HID की बात करूँ तो अपना जिमर का HID लग रहा है, और ये जो आप फॉग लैंप देख रहे हैं पुराना वाला फॉग लैंप है। सो भाई ये आपको कंपनी फिटेड जो आता है बिल्कुल KOEM वाला, वही वाला फॉग लैंप रहने वाला है। साथ साथ आपका HID है, साथ में ब्लास्टर आपका लग रहा है जिमर का। सो भाई सारा काम कर रहे हैं, भाई को काम करने देते हैं, साथ साथ मैं आप लोग को दिखाऊंगा ब्लास्टर और सारी इसके साथ की वायरिंग है, अपना कोई वायरिंग कट नहीं हो रहा है, सब कुछ कपलर टू कपलर काम कर रहे हैं भाई। और ये देख लो सारा कपलर टू कपलर इसमें काम होने वाला है। भाई आपको जो कंपनी से जो स्टॉक बल्ब मिलता है ऐसा कुछ मिलता है, अपना हेलोजन रहने वाला है। इस दोनों का फोकस इतना कुछ अच्छा नहीं होता हाईवे पे, कंपनी का तो आप लोग जानते हो, अपना लूमैक्स का ही रहता है, यानी कि यहाँ पे भाई ने इसे चेंज करवा रखा तो जगह यहाँ पे रह रखा है, बट आपको लूमैक्स का कंपनी से देखने को मिलता है। सो भाई यहाँ पे काम करे भाई जी, अपना नाम सचिन भाई यहाँ पे काम कर रहे भाई, IPS के HID सब कुछ आप ही लगाओगे? सो भाई कर रहे हैं, इसमें अपना कोई वायर कट तो नहीं होता ना, कपलर टू कपलर काम होता है ना, कपलर है सारा काम, देख लो भाई यहाँ कपलर टू कपलर है। तो भाई को पूरा काम करने देते, पूरा एक हुआ आता है पूरा अपना, एक तरीके से देख लो जीमर का पूरा एक डब्बा आता है, उसके अंदर A to Z सारा चीज होता है अपना, कि कैसे क्या क्या लगेगा अपना। 65 वोट का रहने वाला है। सो भाई अगर ऐसा कुछ दे दे, मार्केट में काफी कॉपी चल रही है, उनसे बच के रहना ठीक है। ये ओरिजिनल होता है सब कुछ अपना, जीमर का ब्लास्टर से लेके, तो भाई ये सब जब प्रॉपर आप चेक कर लो, वारंटी कार्ड चेक कर लो, उसके बाद ही लगवाना भाई, मार्केट में काफी कॉपी चल रही है। सो भाई ये तो अपना बिल्कुल ओरिजिनल है, इसकी ये पहचान है बिल्कुल, आपको वारंटी कार्ड मिल रहा है ठीक है, जहाँ से आप ले रहे हो भाई। इन सब चीज से बच के रहना, बिल्कुल अवेयर रहना, ओरिजिनल पे सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ओरिजिनल IPS की पहचान ही यही है भाई। ये देख लो प्रॉपर अपना IPS के, बाकी एक बार लग जाए उसका मैं आपको प्रॉपर सेटअप दिखाता हूँ कि भाई इसका क्या निकल गया। साथ साथ भाई सेम कॉम्बिनेशन रखने के लिए पार्किंग बल्ब में भी LED लगा रहे हैं, ताकि कोई भी हेलोजन ना आए। भाई जी ये कौन सा अपना लग रहा है? फिलिप्स का भाई देख लो, बहुत अच्छा ब्राइटनेस है इसका भाई, कैसा इसका रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब ये तीनों जब कॉम्बो हो जाएंगे अपना IPS HID सब एक नंबर हो जाएगा अपना बिल्कुल। तो भाई ये देख लो भाई यहाँ पे लगा रहे हैं बिल्कुल, तीनों अपने यहाँ पे LED हो जाएंगे, तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा बैठेगा। सो भाई को यहाँ लगा देते हैं साथ साथ, उसके बाद मैं आप लोग को साथ साथ दिखाऊं। भाई लोग यहाँ पे ये चीज देख लो, अगर आप IPS के प्रोजेक्टर लगा रहे हो तो यहाँ पे प्रॉपर नक्के बने होते हैं, उसी में आपके नट्स लगे, कहीं एक्स्ट्रा आपको छेद ना करना पड़े, या फिर जिससे आप लगवा रहे हो ये चीज का आपको जस्टिफाई कर लेना भाई एक बार पहले ही, प्रॉपर नक्के में ही लगे। बाकी भाई को लगाने देते हैं, उसका मैं आपको टोटल रिफ्लेक्शन दिखाऊंगा कि भाई क्या आउटपुट निकल गया। मैं आपको दिखा रहा था अभी नट्स वाले, प्रॉपर नट लग गया है यहाँ पे देख लो, चारों जो नट होते हैं अपने नट लग गए। और भाई IPS अब अगर आप कभी भी लगवा रहे हो तो देखना प्रॉपर तरीके से लगे हो, अगर थोड़े भी हिलते हैं या फिर कुछ होता है ना, तो भाई रिफ्लेक्शन आपका ढंग से नहीं आ पाएगा, आउटपुट ढंग से नहीं आ पाएगा। तो ये चीज चेकआउट कर लेना हमेशा कि प्रॉपर तरीके से लगे हो, सारे नट्स एक तरीके से लगे हो, और भाई ये बिल्कुल भी ना इसमें गैप ना हो, बिल्कुल टाइट हो। बाकी भाई कपलर टू कपलर है भाई, अभी इसको आपको करके दिखा रहा हूँ। तो भाई ये देख रहा हूँ प्रॉपर कपलर टू कपलर काम हो गया है ठीक है, कोई वायर कट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वारंटी आपकी अवॉइड नहीं हो रही है, प्रॉपर कपलर टू कपलर लग गया है। और आपका भाई जो आउटपुट है वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सो भाई जो आप ये वाली जो वायरिंग देख रहे हो अपनी हेडलाइट में, जो HID लगेगी उसकी वायरिंग है, इसके ये उसका ब्लास्टर है प्रॉपर। और यहाँ पे भाई देख लो प्रॉपर टाई बेल्ट के साथ हो रहा है, कोई वायरिंग को कहीं पे काटा नहीं जा रहा, या फिर कहीं पे ऐसे नहीं छोड़ा जा रहा, प्रॉपर टाई बेल्ट के साथ इसको अटैच किया जा रहा है। साथ साथ ये देखो भाई इसको टाई बेल्ट के साथ अटैच कर रहे हैं भाई, ताकि ये वायरिंग इधर उधर ना हो, कोई इंजन में इशू ना आ जाए, या फिर यहाँ पे वायरिंग से कोई इसमें रिलेटेड भाई इंजन में कोई दिक्कत ना आ जाए, प्रॉपर से भाई हर चीज रहेगा, तो आपको कहीं लॉन्ग टूर पे या कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए भाई प्रॉपर टाई बेल्ट लगाया जा रहा है। साथ साथ भाई यहाँ काम चल रहा है, अभी मैं आपको हेडलाइट की भी HID का रिस्पॉन्स अभी दिखाऊंगा।
भाई बाकी भाई को टाई बेल्ट से करते हैं। तो गाइस फाइनली अपने जो ऊपर हेडलाइट थे उसमें एचआईडी लग रहे हैं। यहाँ पे देख लो सब कुछ जो मैंने आपको बताया था, कपलर टू कपलर काम होता है यहाँ पे। तो भैया अपने पप्पू भैया साथ रहने वाले, कैसे भैया? बस बढ़िया रहते भैया तो हमेशा। ये देख लो प्रॉपर तरीके से इसका ब्लास्टर रहने वाला भैया, रिले है इसका। ओके तो भाई ये रिले है, ये ब्लास्टर है इसका, ये ब्लास्टर जिमर का प्रॉपर। भाई देखो मार्केट में काफी कॉपी चल रहे हैं, ठीक है, इससे अवेयर रहना, ये बिल्कुल ओरिजिनल है अपना। मैंने आपको स्टार्टिंग में वारंटी कार्ड ये सब भी दिखाया था, देख लो जर्मन टेक्नोलॉजी 65 वॉट का अपना रहने वाला है। कर दो भैया शुभारंभ इसका, कर दो कपलर टू कपलर। सो भैया इसको कपलर टू कपलर लगा रहे हैं, भैया को लगाने दे, उसके बाद मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। साथ साथ भाई यहाँ पे आईपीएस दूसरे का भी काम चल रहा है, फर्स्ट तो मैंने आपको दिखाई दिया था। तो भाई इसका रिस्पांस कैसा जिमर का भैया? बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पांस निकल के आता है दोनों का जी। तो भाई बाकी कॉम्बिनेशन हो जाए उसके बाद मैं आप लोग को ब्लास्टर लग चुका है, देख लो जिमर का यहाँ पे। और जो काम हो रहा भाई सारा काम अपना हो रहा है ललित कार एक्सेसरीज पे, ये देख लो कहीं नहीं आना आपको, सामने देख लो यहाँ, वहाँ पे आपको हनुमान मंदिर मिलेगा और यहाँ से आप डायरेक्ट आप लोग यहाँ सीधा होगे, ललित कार एक्सेसरीज आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, बहुत अच्छा काम होता है। तो भाई बाकी ये प्रॉपर काम कर रहा है, प्रॉपर कपलर टू कपलर सारा काम यहाँ पे होता है भाई, कोई वायर कटिंग नहीं हो रही है आपकी, साथ साथ काम चल रहा है। मैं आप लोग को फाइनली जो अपने बलिनों में काम चल रहा था एचआईडी का, नीचे की आईपीएस प्रोजेक्टर का, साथ में डीआरएल्स का, वो प्रॉपर तरीके से काम कंप्लीट हो चुका है। तो भाई सबसे पहले सेटअप चलाना है एक बार, क्या रिस्पांस आ रहे हैं निकल के, तो देख लो भाई नीचे के आईपीएस का रिस्पांस देख लो, एचआईडी है, थोड़ा टाइम लगता है इसको ब्राइटनेस होने में और थोड़ा डे आपको जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। ऊपर भी एचआईडी लगा हुआ है, ऊपर का रिस्पांस देख लो साथ साथ। भाई एक बार पार्किंग लाइट ऑन करना, तो मैट्रिक्स वाला ही देख लो भाई, साथ साथ आपके इंडिकेटर के साथ फ्लोटिंग वाला एक तरीके से, ये देखो साथ साथ फ्लोट करेगा साथ में गाड़ी में भाई, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इनका दोनों तरफ से। मैं आप लोगों को एक बार चेकआउट करवा दूं। सो भाई अब आपकी लाइट खोलने की जरूरत नहीं है, आपका एक्सटीरियर में ही लग जाता है और भाई बहुत प्यारा रिस्पॉन्स है इनका निकल के आता है। अब मैं गाड़ी के अंदर से आपको दिखाता हूँ कि बाहर की साइड आपको कितना ब्राइटनेस देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ से एक बार देख लो, साथ में डे टाइम में इतना आपको जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, मैं एक बार डिपर मार के आपको दिखाता हूँ। ये देख लो भाई गाड़ी थोड़ी सी नीचे की तरफ है, लोअर है गाड़ी, तो यहाँ से आपको उतना नहीं दिख पाएगा, बट आप लोगों को जस्टिफाई हो रहा होगा, काफी अच्छा ब्राइटनेस है इनका। ये देखो आपको आईपीएस की आवाज भी आ रही होगी एचआईडी की, ये देख लो भाई बहुत अच्छा फोकस है इनका। अगर गाड़ी भाई स्ट्रेट खड़ी होती तो मैं आप लोग को दिखाता कितना अच्छा इनका रिस्पॉन्स है, और आईपीएस तो नो डाउट आप लोग को पता ही है कितना अच्छा रिस्पॉन्स इसका निकल के आता है। एक बार मैं ऑफ कर दूं सब कुछ और आपका एक बार भाई ऑन कर रहा हूं, ये देख लो भाई एचआईडी में थोड़ा टाइम लगता है 3-4 सेकंड का, पर ब्लास्टर लगने के बाद वो टाइम भी कम हो जाता है। सो भाई रिकमेंड करूंगा ब्लास्टर जरूर लगवाए गाड़ी में, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो भाई बिल्कुल A1 है, बिल्कुल A1। बलिनो में यही कुछ मॉडिफिकेशन था, टोटल एचआईडी के ऊपर काम किया था, ऐसी ही अपनी टॉप मॉडल रहने वाली है। और क्या रिस्पांस निकल गया आप लोगों ने अभी चेकआउट कर दिया, बाकी भैया से मिलते हैं और इसके टोटल प्राइस को जानते हैं कि इसमें अगर आप लोग ये सब चीज अपग्रेड करवाते हो तो टोटल कॉस्ट कितना आता है। तो भाई अभी आप लोगों ने देखा बलिनो में हमने आईपीएस के प्रोजेक्टर्स लगाए, ऊपर के हेडलाइट में हमने एचआईडी लगाई, साथ साथ डीआरएल लगाया। तो ललित भी अपने पास कौन सा एचआईडी इसमें लगा था? हमने जीमर का लगाते भैया, सबसे बेस्ट होता है 65 वाट का होता है, इनकी लाइट है बहुत बढ़िया, कंप्लेंट एक भी नहीं है। ओके सो भाई जीमर का है, मार्केट में काफी कॉपी चल रहे हैं, इससे भाई ध्यान रखना अपने ओरिजिनल, जब ऐसा बॉक्स मिले ट्रस्टेड जगह से ही लगाना, जहां से आपका भाई रिकमेंड कर रहा है वहीं से लगाओ, बाकी जगह से भाई मार्केट में काफी कॉपी चल रहे हैं उस चीज से भाई अवेयर रहो बिल्कुल। उसके बाद भाई साथ साथ हमने डीआरएल भी लगाया था, तो भाई डीआरएल ही अपना यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल होता है जी, हेडलाइट खोलने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर आप ऊपर चिपका के डीआरएल के मजे ले सकते हो। ओके तो भाई अपनी बलिनो हो सही जो किसी गाड़ी में गाड़ी में भी लग सकता है भाई, ये डीआरएल होता है ऊपर की साइड आपका भाई, बाकी जगह अगर आप हेडलाइट खुलवाते हो तो बाद में आपको येलो पड़ जाता है अंदर से, हाँ जी हाँ जी, वो चीज नहीं होगा, आपके एक्सटीरियर में लगेगा बाहर की साइड। और भाई बिल्कुल इंटीरियर वाला काम करे, यानी टॉप से भी हम हाई लेवल कर रहे हैं भाई, बिल्कुल हाई लेवल कर देंगे। साथ साथ भाई आईपीएस के प्रोजेक्टर लगाए हैं, तो भाई आईपीएस के प्रोजेक्टर कुछ आपका ऐसे रहते हैं, मैं आपको दिखा दूं एक बार, प्रॉपर ब्रैकेट्स आते हैं इसके, प्रॉपर देख लो प्रॉपर फिटिंग भाई, मार्केट में डिपर के साथ हर एक चीज होता है। एचआईडी लगने के बाद इसका रिस्पांस आप लोग को बताइए भाई कितना प्यारा रिस्पांस होता है, तो भाई मार्केट में काफी कॉपी चल रहे हैं ललित भाई, बट भाई आपका प्रॉपर आईपीएस जब यहाँ पे लिखा हो उसके बाद ही लेना, और भाई ट्रस्टेड जगह से लो, अगेन आपको मैं बता रहा हूँ सबसे बेस्ट चीज आपको ललित कार एक्सेसरीज में मिलेगी। तो भाई यही कुछ अपने बलिनो में मॉडिफिकेशन था, ललित भाई बलिनो ना से ही अपनी भी ब्रेजा हो गई, नेक्सॉन हो गई, किसी को अपना मॉडिफाइड करवाना तो कहाँ पे आना है? यही आना जी करोल बाग, जहाँ में धनलक्ष्मी बैंक है वो, ठीक है, और ये अपना करोल बाग ललित भाई सामने आपके हनुमान जी के मंदिर से डायरेक्ट सीधा आते हो तो सबसे आगे अपने ललित भाई की दुकान मिल जाएगी ललित कार एक्सेसरीज के नाम से,
फलित भाई किसी के भाई को कुछ के बारे में जानना हो, प्रॉब्लम हो गया लाइट के बारे में, तो अपना प्यारा सा नंबर बता दीजिए। 9811605169 ललित भाई का नंबर है। किसी भी चीज की जानकारी हो यहाँ पॉपअप हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। ए टू जेड किसी भी चीज की जानकारी हो, बलिनो हो गई, नेक्सॉन हो गई, सारी गाड़ी अपने पास बनती है भाई ए टू जेड। तो इस वीडियो में यही था, वीडियो को यही पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, और वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं एक बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रवि भाई हमें अच्छे थॉट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो हैव अ नाइस डे।